Hello and welcome to Ashish Malik IAS Academy. To subscribe on Unacademy Plus, you can use the code Ashish Malik or AMYT10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also, you can follow us on Facebook, Telegram, Twitter, and Instagram. In this video, we will discuss about the secondary capital market. Previously, we have seen the primary capital market as a market jahan pe कंपनी डायरेक्टली अपना शेयर्स बेचता है इज नोन एज द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब वही प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो बायर्स थे वो अगर किसी और को जाके शेयर्स बेच देते हैं देन दैट विल बिकम द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। दिस सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक एक्सचेंज। इसे स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसमें दो इंडेक्सेस है, सेंसेक्स and Nifty. Sensex is for the BSE and Nifty is for the NSE. Sensex Bombay Stock Exchange के लिए होता है और Nifty National Stock Exchange के लिए होता है। These are the two indexes of the secondary capital market. But before moving further, let us understand one concept, the market capitalization. Suppose कोई company है, इस कंपनी ने मार्केट में अपना 50 शेयर्स दे रखा है। मतलब कंपनी ने मार्केट में 50 शेयर्स बेचा है। दिस कंपनी हैज सोल्ड 50 शेयर्स इन द मार्केट और प्राइस ऑफ ईच शेयर्स इज सपोज ₹20। प्राइस ऑफ ईच शेयर्स इज ₹20 मींस टोटल प्राइस ऑफ द टोटल शेयर विल बी ₹20 इंटू 50 शेयर्स दैट इज ₹1000। दिस ₹1000 इज नोन एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में कंपनी का कितना कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ ईच शेयर्स। कंपनी ने 50 शेयर मार्केट में बेचे हैं और एक एक शेयर का प्राइस ₹20 है, मतलब टोटल कैपिटल मार्केट में ₹1000 है। दिस ₹1000 इज नोन एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेंसेक्स। दिस सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इट इज द इंडेक्स ऑफ 30 शेयर्स ऑफ टॉप 30 कंपनी। कैसे टॉप 30 कंपनी, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। सपोज BSE के अंडर 100 कंपनीज रजिस्टर्ड है, इनमें से जिन 30 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा उनका एक वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। फिर ये सेंसेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वेटेड एवरेज, बट स्टिल फॉर दिस टाइम बीइंग लेट अस नो दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ टॉप 30 कंपनीज। And the base year of this Sensex is 1978 and 79. और जो base price है Sensex का वो है ₹100. Base year 1978-79. And the base price is ₹100. Suppose there are four companies. Company 1, Company 2, Company 3 and Company 4. Company 1 ने market में 10 shares बेचे हैं। And the price of each shares is ₹2. So the market capitalization of company 1 will be ₹20. Number of shares into price of each shares is equal to the market capitalization, that is ₹20. And company 2 ne 5 shares beche hain and price of each shares is ₹6. So the market capitalization of company 2 will be ₹30. And company 3 ne 5 shares beche hain and the price of each share is ₹5. So the market capitalization of company 3 will be ₹25. And company 4 ne 25 shares market mein beche hai and the price of each share is ₹1. So the market capitalization of company 4 will be ₹25. Now if we add all the market capitalization of all the four companies, then we will get a sum of ₹100. मीन्स ₹100 मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें मिल रहा है एज ए टोटल। नाउ इस ₹100 में
कंपनी वन का कितना शेयर है, कंपनी वन का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मींस रुपीज 20 का कैपिटलाइजेशन कंपनी वन का है, मतलब कंपनी वन ने 20% कंट्रीब्यूट किया है इस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में। सेम एज कंपनी टू ने 30 रुपीज दिया है, मीन्स 30% कंट्रीब्यूट किया है, कंपनी थ्री ने 25 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब 25% कंट्रीब्यूट किया है, सेम कंपनी फोर ने 25% का किया है। दिस इज नोन एज द वेटेज। ऐसे ही 30 कंपनीज का वेटेज निकाला जाता है फॉर द सेंसेक्स। द टॉप 30 कंपनीज जो भी होंगे उनका वेटेज निकाला जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का वेटेज निकाला जाएगा, फिर सेंसेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर यही सेम चीज अगर 50 कंपनीज के लिए होता है, फॉर द 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, देन दैट इंडेक्स विल बी नोन एज द निफ्टी, द निफ्टी 50, द सेंसेक्स 30 एंड द निफ्टी 50। दिस निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज द इंडेक्स ऑफ 50 शेयर्स, 50 टॉप मोस्ट कंपनी, शेयर्स ऑफ 50 टॉप मोस्ट कंपनीज, वेटेड एवरेज ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 50। द बेस ईयर ऑफ दिस निफ्टी इज 1995 एंड द बेस प्राइस इज रुपीज 1000। द सेम कंसेप्ट, सेम एज सेंसेक्स, द वेटेड एवरेज टॉप 50 कंपनीज का निकाला जाता है, देन निफ्टी इंडेक्स कैलकुलेट होता है। बट द बेस ईयर ऑफ दिस निफ्टी इज 1995 एंड द बेस प्राइस इज रुपीज 1000, वेयर एज इन सेंसेक्स वी हैव सीन द बेस ईयर इज 1978 एंड 79 एंड द बेस प्राइस इज रुपीज 100। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट, बुलिश मार्केट एंड बियरिश मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पे बायर्स ज्यादा हो, देन इट इज नोन एज बुलिश मार्केट। मतलब जहां पे डिमांड ज्यादा हो, शेयर्स खरीदने का डिमांड ज्यादा हो, बायर्स ज्यादा हो, इट इज नोन एज बुलिश मार्केट। मींस प्राइस राइज होंगे, द शेयर प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएंगे इस बुलिश मार्केट। एंड द बियरिश मार्केट वेयर सेलर्स आर मोर, मतलब शेयर्स का सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, मींस प्राइस क्रैश कर जाएंगे, प्राइस विल गेट रिड्यूस्ड, द प्राइस ऑफ द शेयर्स विल गेट रिड्यूस्ड, इज नोन एज द बियरिश मार्केट। नाउ देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ शेयर बायबैक। अब कंपनी ने मार्केट में शेयर्स तो बेच दिए, अब कंपनी चाहता है कि मैं अपना शेयर्स फिर मार्केट से खरीद लूंगा, दिस इज नोन एज द शेयर बायबैक, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। और ये शेयर्स तभी कंपनी बायबैक कर सकता है इफ कंपनी हैज सरप्लस कैश। कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश रहेगा, सरप्लस मनी रहेगा, देन ओनली कंपनी कैन परफॉर्म दिस शेयर बायबैक ऑपरेशन फ्रॉम द सरप्लस कैश, नॉट फ्रॉम द लोन्स। अब ऐसा नहीं कि कंपनी बैंक जाएगा, बैंक से लोन लेगा और लोन लेकर वो शेयर बायबैक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दिस शुड नॉट बी द केस। ऐसा नहीं हो सकता कि लोन से खरीदा जाएगा अपना शेयर्स। कंपनी को एक सर्टेन सरप्लस कैश मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट कंपनी कैन परफॉर्म द शेयर बायबैक ऑपरेशन, एंड दिस शेयर बायबैक ऑपरेशन इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज ये शेयर बायबैक इंक्रीज कर देता है, एंड आफ्टर दिस शेयर बायबैक कंपनी हैज टू डिस्ट्रॉय ऑल द बायबैक शेयर्स। कंपनी ने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं थ्रू दिस शेयर बायबैक ऑपरेशन, कंपनी हैज टू डिस्ट्रॉय ऑल दोस शेयर्स, कंपनी कैन नॉट रीसेल दोस शेयर्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द शेयर बायबैक। नाउ लेट अस डू सम मॉक क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, BSE इज द इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज। स्टेटमेंट टू, स्टॉक मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नॉट।
Now you can pause the video and write your answer in the comment section. The first statement states that BSE is the index of 50 companies. No, we have seen BSE is the index of 30 companies, not the 50. BSE में जो Sensex है वो 30 companies का index है, not the 50 companies. Rather, NSE is the index of 50 companies. Means Nifty is the index of 50 company. So the first statement is incorrect. Statement 2, stock market is controlled by SEBI. Yes, it's true. Or the capital market is controlled by SEBI. So the statement 2 is correct. So the correct option will be option B, only 2. I hope you like the lecture. In the next lecture, we will continue with this secondary capital market. Till then, stay safe, stay at your home every day, 9 a.m. and 6 p.m. Stay tuned for the new video. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.